घर या आंगन को साफ और सुंदर रखने में झाड़ू की भूमिका अतुलनीय है। सोचिए, झाड़ू नहीं होने से हमारा घर द्वार या आंगन कितना गंदा हो जाता। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासियों के बीच इस प्रकार का झाड़ू देखने को मिलता है। देखने में सुंदर और इसका बनावट भी बहुत कलात्मक है। चलिए इस झाड़ू के बारे कुछ जानने वाली बात करते हैं। हर सुबह या शाम को माँ या बहन लोग घर बुहारते हैं। कचरा फेंकती हैं, छत से मकड़ी का जाल निकालते हैं, घर के कोने में जमे मैल को साफ करते हैं, तब जाकर हमारा घर घर जैसा लगता है, रहने लायक बनता है। बहुत माँ बहन लोग तो बैल चराते समय ही झाड़ू काट लेती हैं, नहीं तो झाड़ू काटने के लिए अलग से ही जाना पड़ता है। जंगल में या पहाड़ में झाड़ू मिलते हैं, पर खुले मैदान में झाड़ू अच्छे बढ़ते हैं। कहीं कहीं झाड़ू इतना होते हैं कि नजारा देखते ही बनता है। काफी लंबा रहता है झाड़ू का तिनका, जितना लंबा चाहिए उस हिसाब से चुन कर काटा जाता है। चल संगे जा परे बढ़ निकटे जा, बेरी उगी गेल रे जल्दी खोजे जा। चल संगे जा परे बढ़ निकटे जा, बेरी उगी गेल रे जल्दी खोजे जा। गड़ा ढोड़ा झरिया डिपा कहा तो बताबो, गड़ा ढोड़ा झरिया डिपा कहा तो बताबो। चरे बढ़ निकटे जा, चल संगे जा बरे बढ़ निकटे जा, तेरी युगी गेल रे जल्दी खोजे जा। चल संगे जा बरे बढ़ निकटे जा, तेरी युगी गेल रे जल्दी खोजे जा। कड़ा ढोड़ा छरिया लिपा कहा तो बताबो, कड़ा ढोड़ा छरिया लिपा सफा सुंदर घर कैसन देसल। चल संगे जा बरे बढ़ निकटे जा, तेरी युगी गेल रे जल्दी खोजे जा। चल संगे जा बरे बढ़ निकटे जा। कटाई खत्म हुई, चलो थोड़ा हाथ पैर धो लेते हैं। लड़का को भी थोड़ा नहला देते हैं, गंदा लड़का।
झाड़ू काटने के बाद उनको अच्छे से सुखाया जाता है। दो चार दिन सुखाने के बाद झाड़ू अब बनाने लायक बन जाता है। सुखाने के बाद उसके कांटीले पूंछ को पीट पीट कर कांटों को निकाल दिया जाता है और कांटों का ढेर को जला दिया जाता है ताकि वह न उड़े, लोगों को न चुभे। अब झाड़ू बनाने की प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहले झाड़ू को उबाल कर सिझाया जाता है ताकि बनाते वक्त वह न टूटे। एक झाड़ू बनाने के लिए जितना झाड़ू का तिनका चाहिए उतना अलग अलग कर दिया जाता है। उनको उनकी लंबाई के अनुसार चुनकर अलग किया जाता है ताकि बराबर लंबाई के तिनकों को एक ही जगह पर बिना जा सके। अब देखते हैं बुनाई कैसे की जाती है। शुरुआत के लिए तीन जोड़े झाड़ू के तिनके लिए जाते हैं। और बुनाई शुरू की जाती है। आमतौर पर दो प्रकार के बिनने की तरीका है। एक तरीका है झाड़ू के पूंछ अंश को ऊपर रखकर बिनना। और दूसरा तरीका है पूंछ को नीचे रखकर बिनना। दोनों तरीके से अच्छे झाड़ू बनते हैं। अंत में इस तरीके से झाड़ू को बीनना समाप्त किया जाता है।
इसको सुखाने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। झाड़ू बनने के बाद, अब पूरा सूख जाने के बाद, उसको अच्छे से बांध दिया जाता है। झाड़ू अब बनकर तैयार हो गया है। बुढ़िया अब चली बाजार झाड़ू बेचने। आजकल बड़े शहर या नगरों में आदिवासी झाड़ू की डिमांड बहुत है, इसलिए गांव-गांव से इकट्ठा करके लोग गाड़ी में लादकर झाड़ू शहर ले जाते हैं और वहां ज़्यादा दाम में बेचते हैं। आप जानते हैं इस झाड़ू को बेचकर कितने आदिवासी माँ और महिलाओं ने अपना घर परिवार चलाया है और कितनों ने अपने बाल बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ाया है। बहुत